दिल्ली की एम्स में दूसरी मंजिल पर लगी आग, आग पर पाया गया काबू। किसी के घायल होने की खबर नहीं, लेकिन आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। टीचिंग ब्लॉक की दूसरी मंजिल पर लगी आग पांचवी मंजिल तक फैल चुकी है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की हालत नाजुक बनी हुई है। पक्ष और विपक्ष के नेता लगातार एम्स में उन्हें देखने पहुंच रहे हैं। अरुण जेटली को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। अरुण जेटली की हालत जानने के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल, राजनाथ कोविंद अस्पताल पहुंचे। छत्तीसगढ़ के एक अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। राहत की बात यह है कि इस आग में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की यात्रा के दिन कहा कि एक दिन भूटान के वैज्ञानिक भी सैटेलाइट बनाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रोहतक में महाप्रवर्तक रैली शुरू हो गई है और इस रैली में उन्होंने कांग्रेस का झंडा और निशान नहीं रखा। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस से अलग राग बना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की वजह से दो दिनों में 22 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड को लेकर भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने हंसराज हंस ने शनिवार को जेएनयू में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि जेएनयू का नाम बदलकर एमएनयू कर दो। सुप्रीम कोर्ट में मंदिर मस्जिद भूमि विवाद की प्रतिदिन सुनवाई होने के बाद फैसला राम मंदिर के पक्ष में आने को लेकर आश्वस्त हो गई है। सीनियर सुपरवाइजर ने बताया कि जल्द ही गुजरात और राजस्थान से मंदिर के लिए पत्थरों को तराशे जाने वाले मजदूरों को बुलाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा बयान दिया जिसके बाद से वह सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने अफसरों से कहा कि 8 दिन में समस्या सुलझाओ, नहीं तो लोगों से कहूंगा कि धुलाई कर दो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां भारत द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाए जाने पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने भी कुछ दिन में माना है कि भारत ने बालाकोट में बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया था और उसने सबक लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने योगी मंत्रिमंडल के विस्तार को हरी झंडी दे दी है। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुजाना चौधरी ने आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जगन राज के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बदला ले रहे हैं। देश में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत देश के 9 राज्य भारी बारिश और बाढ़ के कहर से जूझ रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में बारिश और भूस्खलन की कई खबरें सामने आ रही हैं। कुछ जगहों से लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजह से हाईवे भी प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर नेता आपे से बाहर हैं। इसी बीच फारूक अब्दुल्ला का एक वीडियो वायरल हो गया। दावा किया जाने लगा कि फारूक अब्दुल्ला तो आर्टिकल 370 हटने से इतने खुश हैं, खुशी के मारे भजन गाने लगे। बिहार के मोकामा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस शनिवार देर रात उनके सरकारी आवास पहुंची। अनंत सिंह को जब इसकी भनक लगी तो वो फरार हो गए। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और पवन सिंह का मामला सुर्खियों में है। अक्षरा ने पवन सिंह पर उनकी अश्लील फोटो पोस्ट करने और सोशल मीडिया पर फैंस और समर्थकों के जरिए भद्दे कमेंट करवाने का आरोप लगाया है। अक्षरा ने पवन सिंह के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है। पहले सीजन की तरह इस सीजन ने भी लोगों को अच्छा मनोरंजन किया। इस बार सीरीज में नए किरदारों की एंट्री हुई है जिसमें पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर बड़ा दिलचस्प है। इस कैरेक्टर के लिए पंकज त्रिपाठी कैसे सिलेक्ट हुए इस बात का खुलासा नेटफ्लिक्स ने एक वीडियो जारी कर किया है। मिशन मंगल के कलेक्शन के चौथे दिन भी ग्रोथ देखने को मिला। मल्टीप्लेक्स और टायर 2 शहरों में शानदार कमाई की। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टेरिटोरियल आर्मी के साथ जम्मू कश्मीर में अपनी 2 सप्ताह की ट्रेनिंग पूरी कर ली। क्रिकेट खेलते हुए तस्वीर सामने आई है। तमाम सख्ती के बावजूद दबंग 3 के सेट से कुछ तस्वीरें लीक हो गई हैं जो काफी वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में सलमान खान और सोनाक्षी का लुक सामने आया है। मानसून की बारिश के कारण दक्षिण भारत के कई राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं। इसमें अब तक 300 से अधिक लोग मारे गए हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद को 1 साल के लिए क्रिकेट के हर एक पारों से निलंबित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विराट कोहली के 11 साल पूरे हो गए हैं। इस बात को लेकर किंग कोहली ने फैंस के लिए एक खास बात अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखी है। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर बॉलीवुड हस्तियों की शानदार फोटोग्राफी का नमूना देखने को मिला। टैलेंट देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ऋतिक रोशन ने दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी का किताब मिलने के बाद कहा कि वो ब्रोकली की वजह से है।